ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 4/10/2024 की मुरली बाप दादा का मधुर महावाक्य में पांच मुख्य बातें याद रखेंगे। पहला, मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाबा को याद करते रहेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। दूसरा, जैसे बाप विदेही विचित्र है ऐसे बच्चे भी विचित्र है, फिर यहाँ चित्र शरीर में आते हैं। तीसरा, यह रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफिकल्ट है, बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है। चौथा, बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। पांचवा, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। 5 points, बाप की आशीर्वाद, बाप विदेही विचित्र बिंदु है, रूहानी पढ़ाई, मास्टर सर्वशक्तिमान, त्रिकालदर्शी। आज का चिंतन, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान ज्योति बिंदु हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्म ज्योति हूँ, परम प्यारे अति प्रिया प्यारे बाबा को प्यार से निरंतर याद रखकर सदा याद में रहते आशीर्वाद का अनुभव करने वाले, मैं आशीर्वाद के पात्र सपूत बच्चा आत्मा हूँ। मैं आत्मा विदेही हूँ, विचित्र हूँ, चित्र में अर्थात शरीर में पार्ट बजा रहा हूँ। बाबा भी बिंदु है, विचित्र है, बाबा जनन और मरण के चक्र में नहीं आता। मैं आत्मा को बाबा ने सच्चा पढ़ाई सिखाया है, सच्चा ज्ञान मिला है, मैं आत्मा हूँ। मेरा प्यारा पिता बाबा सच्चा ज्ञान दे रहा है, बाबा को प्यार से याद कर सदा आशीर्वाद प्राप्त करने वाले बाबा का प्रिय संतान हूँ मैं। मैं आत्मा पवित्रता को धारण करने वाले, पवित्रता मेरा स्वधर्म है, सदा पवित्रता को पालन करने वाले मैं शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं त्रिकालदर्शी हूँ, किसी भी बात में मैं सदा त्रिकाल दृष्टि से देखकर हर बात में कल्याण ही समाया हुआ है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है उसमें भी अच्छे से अच्छा होने वाला, ये सच समझकर सदा बाबा के साथ रहने वाले मैं त्रिकाल दृष्टि आत्मा हूँ। बाप की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले, विदेही बाप के साथ सदा रहने वाले, रूहानी पढ़ाई में मस्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ मैं। मैं आत्मा ज्योति मन और बुद्धि के द्वारा सेकंड में अपना निज धाम परम धाम बिंदु धाम में पहुंच गया हूँ। ओहो कितना शक्तिशाली प्यारा दुनिया, स्वीट होम, स्वयं प्रकाशित लोक में, सुनहरी लाल दुनिया में, मैं आत्मा अपना निज धाम में पहुंच गया हूँ। मैं आत्मा अपना अनादि बिंदु स्वरूप में अपने आप को देख रहा हूँ। आहा कितना सुंदर सुखद जीवन है, शक्तिशाली स्थिति है ये। मैं आत्मा बिंदु शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रहा हूँ। मेरा प्यारा पिता परमात्मा भी बिंदु रूप में चमक रहा है, मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, बाबा से अपार प्यार शक्तियों का किरणें फैल रहा है, बाबा से संपूर्ण शक्तियों को प्राप्त कर रहा हूँ, बाबा का नजदीक हूँ, बाबा को टच किया हूँ। आहा कितना शक्तिशाली स्थिति,
मैं और बाबा अपना निज धाम में परम धाम में शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते फिर इस साकार सृष्टि पे आकर शरीर में मस्तक सिंहासन पर बैठ शक्तिशाली प्रकंपन सारा दुनिया को फैला रहा हूँ। मैं सारा दुनिया को मन सा सेवा कर रहा हूँ। हे आत्माएं, हम सभी आत्माओं का प्यारे पिता इस धरा पर आ चुका है सच को पहचान कर सहज राजयोग अभ्यास कर अपना जीवन को धन्य बनाने लिए नजदीक ईश्वरीय सेवा केंद्र में राजयोग अभ्यास कर सच्चा ज्ञान और योग अभ्यास कर अपना जीवन को धन्य बना लीजिए। अब नहीं तो कभी नहीं। याद रखिए, ओम शांति।